नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही अलग लोक में ले जाने वाला हूँ। अभी तक हम बातें बनाते आए हैं, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें, मैंने तो यही देखा है कि ऐसे बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, बहुत सारे इसके पैसे वसूले जाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ही मुफ्त है, बिल्कुल ही फ्री, और आपको उस दिशा में मैं ले जा रहा हूँ जिस दिशा में आपको अभी तक ले जाया नहीं गया है। सो आप आगे बढ़ने से पहले फिर से कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको मित्रों, सम्मोहन, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सम्मोहित अपने आप को कर सकते थे। सम्मोहन मैं आज भी आपको बताने वाला हूँ, और सम्मोहन करके मैं आपको आपके पूर्व जन्म के बारे में बताना चाहूँगा। आप उम्मीद है कि आप इसका आनंद लेंगे। बहुत ज़्यादा समय हो जब आप पर, तब आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, और जब बहुत आप एकाग्रता दे सकते हो, आपके मन भी शांत हो, केवल शरीर ही नहीं आपका मन भी शांत हो, तब आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि मित्रों, आप ये एक बहुत अलौकिक अनुभव है, इसको यूं ही नहीं जाया करिएगा। सिर्फ एज ए वीडियो आप देख रहे, आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अगर आप करने बैठे हैं और आप अपने पूर्व जन्म को जानना चाहते हैं, तो बहुत ध्यान से, कमरा बिल्कुल एकांत हो, आसपास भी कोई आवाज ना आ रही हो, आपके लिए एक बड़ी स्क्रीन यहाँ पे आवश्यक है, जितनी बड़ी हो सके। मोबाइल पे तो बिल्कुल ना देखें, मोबाइल पे बहुत छोटी स्क्रीन है, आपके दृष्टि क्षेत्र में वो नहीं आता, तो वो आपको ध्यान रखना, दृष्टि क्षेत्र में आना चाहिए, ताकि आप पूरी तरीके से उस पर ध्यान अपना लगा सकें। आपको हमने हमारे चैनल पे, आप अगर सर्च करें तो आपको त्राटक विधि मिलेगी ध्यान लगाने की। वो त्राटक विधि आप देख के ध्यान लगाना पहले सीख सकते हैं, फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको आपके पूर्व जन्म में, और सिर्फ वीडियो से आप जा सकते हैं, कैसा आपका अनुभव रहेगा बताइएगा। बहुत सारे लोगों ने, मैंने कहा बताया है, वो इसके लिए बहुत सारी सभाएं करते हैं और बहुत सारा धन इसके लिए वो उगाहते हैं, लोगों से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पहली बार आपको आपके पूर्व जन्म का अनुभव कराने जा रहा हूँ। देखिए, आप मेरे इस बोलने के बाद आपके स्क्रीन पर आएगी एक आप देखेंगे एक छवि। छवि पे आपकी दृष्टि स्थिर होना मुश्किल है। ये छवि इस तरीके से बनाई गई कि वह आपको लगातार, आपको उस पर दृष्टि बनाए रखनी है, और धीरे धीरे आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप उस अलौकिक संसार में जा रहे हैं जिस संसार में आप जा रहे हैं। ध्यान रखें, सारे विचारों से परे, जब आप पे बहुत समय हो, जब आप पे वास्तव में इधर ध्यान देने का बिल्कुल सही समय हो, तब आप इसे आगे शुरू करिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आपको उस अलौकिक संसार का अनुभव कराने। आप पिछले जन्म में क्या थे ये आपको बताने, आप बताइएगा आपने क्या देखा, आप क्या थे, अच्छा लगेगा हमें आपके अनुभव को लोगों के साथ शेयर करना। तो मित्रों, ये आपको सामने छवि दिख रही है, एक वृत्त है जो घूम रहा है आपके सामने। ये वृत्त आपके सामने घूम रहा है, इसको ध्यान से देखिए, देखते रहिए, अपनी दृष्टि को किसी एक स्थान पर, इस वृत्त के केंद्र पर स्थिर करने का प्रयास कीजिए। आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अपनी दृष्टि को देखते रहिए, जैसे एक जलते दीपक की लौ को आप देखते हैं, ऐसे ही देखते रहिए। मित्रों, ये केंद्र है आपके मस्तिष्क की ऊर्जा का केंद्र। मस्तिष्क की ऊर्जा बहुत अनंत है, मस्तिष्क की ऊर्जा का कोई सीमा नहीं है, मस्तिष्क की ऊर्जा ही है जो आपको, आपने कभी अनुभव आप करेंगे तो आप पाएंगे मस्तिष्क की ऊर्जा कितनी कितनी विशाल होती है। छोटे छोटे अनुभव हमारे बताते हैं आपको। मैं इस वृत्त के केंद्र की ओर निगाह लगाए रखिए, मैं आपसे बात करता जाता हूँ। आप देखिए, यदि आप पुरुष हैं तो आपने पाया होगा कि स्वप्न में आप स्खलित हो जाते हैं जब आप युवा हो रहे होते हैं, वैसे जब आप जागे हुए होते हैं तो आपका ऐसा होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क उस समय बहुत तेज काम कर रहा होता है, मतलब जो हस्त महसून से आप स्खलित हो उससे अधिक कहीं ऊर्जा वो आपको प्रदान करता है, और बिना अपने
उस प्राकृतिक अंकुश के बिना आप स्खलित हो जाते हैं। जब आप डर जाते हैं तो आपके शरीर में पसीना बहुत तेजी से आ जाता है, वो श्वेत ग्रंथियों को एकदम से सक्रिय कर देता है। किसी माँ का जब बच्चा या बच्ची की मृत्यु असमय हो जाती है तो उसे वो दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिकों ने भी कहा है वो दिखाई पड़ता है, माँ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती, लेकिन उनके मस्तिष्क की वो उपज होता है। तो मित्रों, मस्तिष्क की शक्ति को कभी भी कम ना समझिए। आप इस वृत्त के केंद्र की ओर देखते रहिए, वृत्त का केंद्र आपको देखते रहिए, सकल ऊर्जा संचालित होती है हमारे ईश्वर से, उसको देखिए। ये केंद्र आपको बताता है कि हमारा ईश्वर सार्वभौमिक, वो ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, ये इस केंद्र में आपके मस्तिष्क में, आप उस ऊर्जा का ही एक भाग हैं। अपने आप को इस बात का अनुभव कीजिए, शांत कीजिए, अपने अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए, अपने अपने आंखों को आप इस केंद्र की ओर देखते रहिए, लेकिन अपनी आंखों को शिथिल कीजिए। आपको घूरना नहीं है, आपको प्रेम से देखना है, प्रेम से देखिए। अपनी आंखों, अपने चक्षुओं को शांत कीजिए, अपने कानों को शांत कीजिए। आपके कानों की जो आपको शिराएं, जो मसल्स, जो मांसपेशियां आपको जो अनुभव कर रहे हैं उनको शांत कीजिए। अपनी ठोड़ी को शांत, अपने होंठों को शांत कीजिए। अपनी गर्दन यदि आपकी बहुत अधिक तनी हुई है उसे शांत कीजिए। अपने वक्ष, अपने सीने वाले हिस्से को शांत कीजिए। अपने दोनों हाथों को थोड़ा शिथिल कीजिए, शांत, एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाए। आप पालथी मार के बैठ सकते हैं, आराम। अपने भीतरी अंगों को महसूस कीजिए मित्रों, अपने भीतरी अंगों को, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को महसूस कीजिए। आपके शरीर केवल अस्थि और मज्जा से नहीं बना है, अंदर अंग हैं, ये तो एक आवरण है। महसूस कीजिए, उनका अनुभव कीजिए, अपने अपने शरीर को शांत कीजिए। अपनी जंघाओं की ओर आइए, अपने व्यक्तिगत अंगों वाले क्षेत्र को महसूस कीजिए कि बिल्कुल आप शांत हैं और किसी भी तरह का कोई तनाव आपके किसी शरीर के हिस्से में नहीं। आपकी जंघा पूरी तरह से शांत है और आपके पैर, पैर की पिंडलियाँ, ये किसी भी तनाव में नहीं है। उंगलियों की ओर चलते हैं, पैरों की उंगलियाँ, तलवाई, सब बिल्कुल शांत, पूरा शरीर शांत और शिथिल अपना बनाइए। उसके बाद आप देखिए आप कहाँ जा रहे हैं। आपने पहले अपने पीछे समय को याद करिए जो आपको कभी कोई एक आनंददायक अनुभव हुआ था, और थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे अगर आप जाते हैं तो आप पाते हैं कि जो सबसे आनंददायक समय था आपका लड़कपन था। आप लड़कपन की ओर जाते हैं, लड़कपन आपको याद आता है, आपको अपने स्कूल के, अपने विद्यालय के सहपाठी याद आते हैं, अपने मित्र याद आते हैं, अपने स्कूल का उस समय, वो आनंददायक समय, अपने बचपन का समय याद आता है। आपको ये भी याद आएगा अगर आप और याद करें, अपने दिमाग को जरा और केंद्रित करने का प्रयास करें। आपको याद आता है कि आप अपने माता पिता के साथ थे स्कूल जाने से पहले, वो यादें भी आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बसी हुई हैं। उसी तरफ आप जा रहे हैं। अगर आप और थोड़े पीछे याद करने की कोशिश करें, काफ़ी बचपन की, छुटपन की आपको घटनाएं याद आएंगी। बहुत ज़्यादा केंद्रित करिए अपने दिमाग को, और आप अपने मस्तिष्क को सोचिए कि वो बहुत बचपन का समय, मातृत्व का दूध तो याद नहीं आएगा, लेकिन अगर और आप पीछे याद करें तो शायद कुछ अंधेरा सा आपके सामने आता है। अंधेरे में आप अपने आप को विलीन पाते हैं। दरअसल ये आप इस समय हैं, माँ के पेट में, कोख में हैं आप इस समय। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आप किस ऊर्जा से विकसित हुए हैं। देखने की कोशिश करिए, आपकी आंखों के सामने ये केंद्र बना हुआ है, लेकिन आपके मस्तिष्क में एक उजाला सा आपको महसूस हो रहा है। अपने आप को उस उजाले की तरफ ले जाइए, बिल्कुल भी कोई और विचार ना दीजिए, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, वो उजाले की ओर जाइए। ये आपको सामने प्रकाश सा दिख रहा है और आपको कुछ अनुभव हो रहा है, कोई सामने दिख रहा है, कुछ कोई छवि दिख रही है। इस छवि को और ध्यान से देखिए, आप सामने नजर आते जाते हैं, सामने कोई आता है, ये सामने आपका वो चित्र है जो आपका पिछले समय का था, यही आपकी पिछले जन्म की छवि है, ये वो अनुभूति है जो आपको बता रही है। इसे और ध्यान से देखने की कोशिश करिए। यदि आप यहाँ पर अभी तस्वीर आपके सामने क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, और ध्यान लगाइए आराम से। अब आप इस लोक में ही हैं, आपको किसी भी तरह की अपने दिमाग में तनाव लाने की आवश्यकता नहीं।
इस रोशनी को और थोड़ा धीमा कीजिए, अपनी आंखों को थोड़ा और हल्के गोल घुमाइए, उस छवि को देखने का प्रयत्न कीजिए। ये छवि है, ये थे आप, ये आपका पिछला जन्म है। जिस तरीके से आप पिछले जन्म में दिखते थे, आप यही थे और आप यही हैं, और आप इसी प्रकार से आत्मा आपकी अगले जन्म की ओर भी अग्रसर हो जाएगी। अपनी सारे तनाव, अपनी चिंताएं सभी दूर कर दीजिए, क्योंकि आप एक आत्मा रूप हैं। अपने जीवन को सुघड़ और सहज बनाइए। तो मित्रों, यहीं पर थोड़ी देर आप आनंद लीजिए इस छवि का, इस छवि के और स्पष्ट होने दीजिए, इसको देखिए, और जितनी समय तक आप इस छवि को निहार सकते हैं आप निहारिए। अभी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप मुझे भी भूल जाइए, स्वयं को भी भूल जाइए, सामने देखिए और इसका आनंद लीजिए। मित्रों, ये आपकी छवि है, इसको निहारिए और देखते रहिए। इस वीडियो को चलने दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आपके बगल में बैठा हूँ, लेकिन आपके साथ इस समय केवल एक है, वो है आप स्वयं। ये छवि आपकी बता रही है, छवि अब तक काफी स्पष्ट हो गई होगी।